लड़कियों के लिए एक सरप्राइज मैं हूँ कि वो लोग मुझे देखते हैं खुश हो जाते हैं, वरना मैं शादी शुदा हूँ बिलो रानी, तो शेख रशीद उसको नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे माँ बाप से ऐसा चीज़ पैदा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बेइंसाफी हुआ है। तो अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम तो बंदा छुपा भी सकता है, इसको छुपाना पड़ना था कि इसको छुपा लेता कि मौलाना फजल रहमान अगर गिर गया तो वो लोग कहेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डायलॉग सुना दूँ और अच्छा लगेगा। नहीं अभी अगर अमिताभ बच्चन को बोलता है कि भाई आप टंडोकर बन जाओ और टंडोकर को बोलता है कि आप अमिताभ बच्चन बन जाते, अब मेरे लिए जो अच्छा काम करे, चाहे इमरान खान अच्छा काम करे वो उसी दिन वो मेरा हीरो है, दूसरे दिन बिलोर नारी ने अच्छा काम कर दे वो मेरा हीरोइन है। वरना मुझे क्या शौक था आपको देखूं? नहीं मुझे अक्सर लोग देखते हैं। क्यों? पता नहीं, पठान हूँ इसलिए। पठान है? हाँ। पठान तो और भी काफी पठान है। मैं थोड़ा अलग से पठान हूँ। अलग से पठान से क्या मतलब है? इमरान खान अलग है कि नहीं? वो तो है, हम भी अलग हैं। आप काफी खतरनाक लग रहे हैं, ये जो यूं कर रहे हैं। नहीं मैं खतरनाक नहीं हूँ। अच्छा आपके पाँव पे क्या हुआ है? ये मैं वॉलीबॉल खेल रहा था उसमें गिर गया हूँ तो फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा कब गिरे? 24वां रोजा था। आपकी तो ऐसे ही गुजरी होगी बेड रेस्ट पे? ये मेरा ऐसा गुजर गया, उसी वक्त तो प्लास्टर था, फिर प्लास्टर के साथ ठीक नहीं हुआ, फिर मैंने ऑपरेशन करा लिया। अच्छा, अब इसके अंदर पेच है। पेच है? हाँ जी। कौन सा पेच है? खर पेच। चले यार अल्लाह ताला सेहत दे। तो आप ये लिबर्टी में बैठने का क्या मकसद है? लोग आते जाते क्या सिंपथीज दें या क्या करें? लिबर्टी में तो मेरा बिजनेस है, मैं काम भी करता हूँ और यहाँ पे मैं बैठता हूँ अक्सर वक्त, यहाँ इसके साथ बैठ करके मुझे यहाँ पे देख करके ऐसी खुशी महसूस होती है। यहाँ पे बैठ के क्या खुशी महसूस? ये खुशी महसूस होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी है, मतलब किसी का ये नहीं है कि दबाव हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे बाकी मुल्कों में कुछ लोग आज़ाद नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पे लड़कियों के भी काफ़ी रौनक लगी होती। लड़कियों के लिए एक सरप्राइज मैं हूँ कि वो लोग मुझे देखते हैं खुश हो जाते हैं, वरना मैं शादी शुदा हूँ। मैं नहीं देखता हूँ। उनके लिए खुशकिस्मती है कि वो आपको देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ है आप में? ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। तो मुझे लग रहा है आंखों से डराते ही हैं सबको। नहीं नहीं, मेरी आंखें जो है थोड़ी ऐसी है और मेरा चेहरा थोड़ा ऐसा खौफनाक मर्दाना है, मतलब मर्दाना, बाकी सारे क्या मर्द मतलब दिल का मैं अच्छा हूँ, दिल का बुरा नहीं हूँ। ऊपर से सख्त लगते हैं? ऊपर से मर्द ऊपर से होना चाहिए सख्त, और जो मर्द जो होते हैं जो लेडीज की तरह ऊपर से दिखे, हिलजुल, हाँ थोड़ा वो नहीं है बिलोरानी, हाँ उस तरह। फिर की थोड़ा सा बताए ना क्या कहता है वो शेख रशीद, उसको नहीं छोड़ेगा। अच्छा जी। हाँ शेख रशीद उसको नहीं। रशीद का क्या इरादा? शेख रशीद का इरादा उसके लिए नेक नहीं है। खराब नीयत है, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा जी। बिलावल की थोड़ी सी मिमिक्री करते हैं? बिलावल की तो नहीं, इस चीज़ पे मुझे अफसोस है कि इंसान को जो उसका आवाज़ है और जो वो बोल रहा है, जो उसका तरीका है, वो सिस्टम है, अला ना करे मैं ऐसा होता तो मैं कभी बैर मुल्क से इधर पाकिस्तान में ना आता, क्योंकि उसकी माँ का बड़ा नाम है, उसका दादा का बड़ा नाम है। तो ऐसे माँ बाप से ऐसा चीज़ पैदा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बेइंसाफी हुआ है। ऐसे ही है? हाँ। पता नहीं, और तो अल्लाह के काम है। ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम तो बंदा छुपा भी सकता है, इसको छुपाना पड़ना था कि इसको छुपा लेता कि भाई ये अल्लाह ना करे अगर ये वज़ीर आज़म बन गया तो हमारा मुल्क एक लेडीज बन जाएगा, एक लेडीज़ हमारी वज़ीर आज़म रही, वज़ीर आज़म जो है बेनज़ीर भुट्टो थी, फिर बाकी जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ऐसे कुछ और भी, और ये दुनिया का तीसरा मखलूक हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। अच्छा अगर बन गया तो फिर? तो हमारे मुल्क का तीसरा मखलूक वो बनेगा वज़ीर आज़म, जो हम आला उस उन लोगों को भी आला ने पैदा किया। तो हम सब लोग ये करते रहेंगे कि भाई क्या करेंगे, कुछ देना। हाँ तो सब ये I have no words. वो नाना पाटेकर के एक फिल्म में एक कुसरा उसके सामने आता है, ये नाना पाटेकर के सामने नाच देता है, कहते हैं अब कुछ दो ना, नाना पाटेकर उसके सामने नाच देता है, कहते हैं अब तुम कुछ दो ना, अब सब ये होगा। वो ये था कि मैं तेरे वास्ते नाची रही, कुछ दे, हाँ कुछ देना, कुछ कर, हाँ जी। तो नाच के कहता मैं भी नाचा रही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैंने तब से देख रही हूँ आपको, नोट कर रही हूँ, तस्बीह के दाने आप यूँ करते जा रहे हैं, ये तो आप बातें कर रहे हैं और साथ साथ दाने पे दाना फेंक रहे हैं, क्या मतलब? जब मौका मिल जाता है तो उस पर मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हूँ।
और जब मौका नहीं मिलता है मेरी उंगली तो कुछ पढ़ रही है, ये उंगली भी कुछ पढ़ रही है, ये अच्छा ऐसे हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है इंसान। अंकल आंख मार रहे हैं कि ये फजूल बोल रहे हैं। नहीं ये जो दुरख है दुरख। अंकल इधर आए, इधर आए जरा जल्दी आए, ये ऐसे कह रहे हैं ना। मां नहीं बात ये है ना, बस ये हमारा पठान पे जाता हुआ तो आदत हो जाते है, जब तस्बीह होते हैं ना मुझे कुछ टाइम याला बस आदत है ना, पर तो कुछ नहीं रहे। नहीं जब वो बात नहीं करते है तो पढ़ता है, जब वो बात करने का मौका मिल जाता है तो फिर बात भी करता है। और ये उंगली तो आदत हो गई, उंगली की आदत है, दिल की आदत नहीं है। दिल की आदत भी होनी चाहिए ना, दिल की आदत उस टाइम होना चाहिए कि दिल से तो हम अल्लाह को बहुत पसंद करते हैं, हम जान दे दे। ये जो कोई कभी कभी मेरे पास आ जाता है कोई, मतलब हम भी गरीब आदमी है, कोई भिखारी आ जाता है कहता है कि अल्लाह के नाम पे, अभी अल्लाह के नाम पे हम पूरा सर दे दे तो कम है, तो हम उसको क्या दे दे अल्लाह के नाम। अच्छा आपका पाँव टूटा है तो क्या नज़र वज़र लगी है कि क्या होगा? जिससे भी मिला हूँ लोग कहते हैं कि नज़र लगा है, जो मेरे मतलब रिश्तेदार है अपने जो दोस्त है सब कहते हैं नज़र लगे। अच्छा कैसे? वॉलीबॉल खेल रहा था तो वॉलीबॉल में मेरा माशाल्लाह बेटा है वो भी साथ खेल रहा था, और मेरा छोटा भाई है वो भी साथ था, तो नज़र तो लगना ही था कि चले ऐसे ही पाकिस्तान में वैसे यही कहा जाता है कुछ भी हो जाए नज़र लगती है। ये भी हो सकता है, ये भी कहते हैं लोग कुछ भी हो जाए, अभी मौलाना फजल रहमान अगर गिर गया तो वो लोग कहे नज़र लग गई, वरना लगना उनको बदुआ है। हाँ लोग कहेंगे कि ये नज़र लगे। सही हो गया। कोई किसी मूवी का डायलॉग सुनाए। किस मूवी का डायलॉग? किसी मूवी का जो आपने देखी है लास्ट टाइम। मैंने तो मूवी बहुत सारी देखी है, अमिताभ बच्चन की सारी देखी है। अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग? संजय दत्त की देखी है। संजय दत्त का सुनाए, लग भी आप संजय दत्त रहे। मैं संजय दत्त का कौन सा डायलॉग? कोई भी आपका पसंदीदा कोई भी। क्या बात है? बहुत सारे आते हैं मगर एक सुनाए अच्छा नहीं लगेगा। सुनाए सुनाए अच्छा लगेगा। नहीं जो चीज जो काम है वो उनके साथ अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा ना, सुनाए ना एक बात सुनो, बस एक डायलॉग सुनाए। मैं तो इंटरव्यू में बस अभी गाना जो है वो मतलब मोहम्मद रफी के गाने, मोहम्मद रफी गा के अच्छा लगता है। आप अच्छे लगेंगे ना, मैं बता रही हूँ। संजय दत्त का एक डायलॉग सुनाए। संजय दत्त का कौन सा डायलॉग? अक्सर इस वक्त जो होते हैं इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है कि मतलब नर्वस हो जाता है, मगर मैं वो भी नहीं हूँ कि नर्वस हूँ। अच्छा नहीं लगेगा मेरे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डायलॉग सुना दूँ और अच्छा लगेगा। अमिताभ बच्चन की सुना देते। अमिताभ बच्चन का नहीं है वो, उसका मेरे ख्याल में वो दीवार फिल्म है, वो कहते हैं तुम्हारे शक्ति कपूर उसको कहते हैं तुम्हारे पास, मेरे पास दौलत है, पैसे है, शोहरत है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते हैं मेरे पास माँ है, तो बोल दिया। ऐसा डायलॉग सुनाया हमारा, मुझे समझ ही नहीं आया था। नहीं उन देखने वाले को समझ आए। दिल था आप अमिताभ बच्चन का सुनाए, उसका सुनाए, संजय दत्त का सुनाए। मैं नहीं, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। आप सुनाए तो सही ना। नहीं अभी अगर अमिताभ बच्चन को बोलता है कि भाई आप टंडोकर बन जाओ, और टंडोकर को बोलता है कि आप अमिताभ बच्चन बन जाते, ये दोनों मंजिल पे ना पहुँचते। पठान जो होते हैं ये इतने खर दिमाग क्यों होते हैं? ये पठान खर दिमाग होते हैं। क्यों होते हैं? अक्सर जो है अक्सर ये इस वजह से कहते हैं कि जो हम लोगों में तेज़ होता है बंदा, जो तेज़ दिमाग चलाता है, ठीक है, तो हम लोग उस कहते हैं कि ये बहुत बड़ी तोफ है, तो इसलिए पठानों को कहते हैं कि ये खर दिमाग, क्योंकि मतलब इन लोगों का दिमाग बड़े चलता है, ये जिस भी दिमाग लगा लेते हैं। अब इंडिया में जो है पठान मूवी चल रहा है और उधर मूवी चल रहा है, और इधर असल पठान मूवी चल रहा है। झूमे जो पठान, जुमे आपने सारी मूवीज देखी हुई है? मैं जो मेरी बस में मैंने देखी है सारी मूवी। इतना आजकल की किसके पास इतना टाइम है सारी मूवीज देखने का? आजकल तो ज्यादा टाइम है लोगों के पास। आपको जब गुस्सा आता है तो कैसे गुस्सा उतारते हैं? ये 2.5 किलो का मार के उतारता हूँ। कैसे? अच्छा मुझे नहीं मारना। नहीं नहीं तुम्हें क्यों मारूंगा? पठानों में ये है कि वो लेडीज पे वार नहीं करते, चाहे अब मम्मी गोली। सपोर्ट किसको करते हैं? सपोर्ट मैं किसी को भी नहीं करता हूँ। इमरान खान को भी नहीं? अब मेरे लिए जो अच्छा काम करे, चाहे इमरान खान अच्छा काम करे, वो उसी दिन वो मेरा हीरो है,
दूसरे दिन बिलोर नारी ने अच्छे काम कर दिए, वो मेरा हीरोइन है, और तीसरे दिन शहबाज शरीफ ने अच्छे काम कर दिया, मैं अच्छे काम के लिए सपोर्ट करता हूँ। मुझे आखिरी सवाल आपसे ये बताएं कि मर्दों के बाल जल्दी झड़ जाते हैं बनिस्बत इसके औरतों के लेट झड़ते हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह तो एक ये है कि आप लोग जूती ज़्यादा मारते हैं मर्दों को, सर पे मारते हैं, उनका भी है। और बाकी जो साइंस की निगाह से है कि मर्द में जो है एक सफ़ेद ब्लड होता है, पता नहीं क्या कुछ उसको कहते हैं, वो मर्दानों में मुसीबत मर्द में कम है, औरत में वो ज़्यादा है। तो कोई बचपन का अच्छा सा शरारती सा कोई किस्सा सुनाए? बचपन का शरारती तो इतनी शरारती की है मैं कौन सी याद रखूं? कोई एक बता दें जो मज़ेदार सा हो। वो बहुत सारी याद। कोई एक बता दे खतरनाक सा। खतरनाक सा ये है कि मैं बंदूक साफ कर रहा था तो उसमें से गोली थी, तो मैं समझ रहा था नहीं वो, तो उसका मैंने अच्छा हुआ कि बाकी फैमिली वाले भी पास बैठे हुए थे, तो मैंने उसका ट्रिगर दबाया, मैं तो कह रहा हूँ उसमें गोली नहीं, वो एकदम सब चल गोली चली है, तो इधर सब लेट गया। किसने गोली चला दी? ये किसने चला दिया? तो मैं यूँ देखता रहा कि मैंने कहा शुक्र है कि इसकी मुँह बंदूक की मुँह ऐसी नीचे नहीं थी। हाँ। तो अभी सब अल्लाह को प्यारे हो जाते। ऐसे इतनी खतरनाक शरारतें आपने की? बचपन पठानों का बचपन जो होता है वो किसी फिल्म की जो एंड होता है उसमें के साथ मिलता जुलता कोई खतरनाक होता है। पठान ज़्यादा नस्वार क्यों खाते हैं? पंजाबी ज़्यादा पान क्यों खाते हैं? मैं तो नहीं खाती। तो कोई तुम्हारे सखे वाला तो कोई खाता होगा? नहीं, तो नॉर्मली खाते हैं ना, मैंने ज़्यादा पठानों को देखा नस्वार खाते हैं। तो नस्वार तो मैं भी नहीं खाता हूँ। अच्छा, मैंने वैसे पूछा ना, ज़्यादातर पठान खाते हैं नस्वार? बस एक ये नहीं है कि नस्वार, एक आदत बन जाती है एक चीज़ की, जैसे मतलब एक चीज़ मशहूर हो गया अभी इधर किसी कौम में, तो वो कहते हैं कि चलो ये बंदा खाता है मैं भी खा लूँ, वो कहते हैं मैं खाता हूँ, ये इसी तरह। और नस्वार में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि वो नींद को नहीं है एक उसमें एक नशा है। नहीं नहीं, नींद को गायब कर देता है उसको, एक्टिव रखता है। हाँ, जैसे चाय में कहवे में उसमें दूध वाली चाय में। हाँ, तो और कहना चाहते हैं? कुछ ये क्या कहूँगा, बस ये कहूँगा कि भाई मिलजुल के रहे, ये आजकल सिस्टम पाकिस्तान का थोड़ा सही नहीं है, तो ये कौम मज़हब इसके ख़िलाफ़ ना जाए, सब एक मिल के रहो, पठान पंजाबी सिंधी बलोच ये सब भाई है, इन चीज़ों को ना देखे, अपने मुस्तकबिल को देखो, और अपना जो आपके लिए अच्छा सोच रखे उन इंसान के पीछे जाओ जो अमन हमारे लिए अच्छा सोच रखे, और इन लोगों के पीछे ना जाओ कि आपको मज़हब के पीछे दौड़ा है और इसके पीछे दौड़ा है उसके पीछे दौड़ा है। तो मैं ये लोगों से कहूँगा कि हम अपने आप को खुशनसीब बनाएं, और जो अक्सर वक़्त होते हैं धरने वगैरह निकलते हैं, तो आप धरना इजहार करो, मतलब ये ना करो कि कुछ मुल्क तबाह ना करो, इजहार करो, सुबह से शाम तक किसी जगह बैठ जाओ, रोड बंद करो, मगर किसी की गाड़ी ना जलाओ, किसी की बस ना जलाओ, किसी की शीशे ना तोड़ो, वो तुम अपने नुकसान कर रहे हो। जितना पाकिस्तान संवरता है प्रोटेस्ट में उतना ही बिगाड़ देते हैं उसको। हाँ, चले, है, शुक्रिया।